खबर सतना से है, जहां ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के विरोध में रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। सतना नगरी निकाय व ग्राम पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त किए जाने के विरोध में ओबीसी महासभा द्वारा सबसे पहले बीटीआई ग्राउंड में सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां पर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ओबीसी आरक्षण को लेकर स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमारा अधिकार है और अधिकार लेकर ही रहेंगे। ओबीसी महासभा के वक्ताओं ने कहा कि अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत की सभी जाति जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से दलित, पिछड़े व शोषित हैं, जिन्हें संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत विभिन्न प्रकार के आरक्षण दिए गए हैं, जो न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत देश में सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाया है, जिसके कारण संपूर्ण ओबीसी समाज शोषित, दलित व अपने विकास के हर क्षेत्र में पिछड़े हैं। पंचायत चुनाव होने जा रहा था, उसमें ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म किया गया है, उसी के वजह हम आंदोलन प्रदर्शन किए। क्या मांगे हैं आपने? मांगे हमारी है कि हमारी देश में आबादी 70% है, इस प्रकार से भागीदारी चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए और आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर सरकार नहीं मानती है, ये कोर्ट नहीं मानती है, नहीं मानेंगे कैसे? नहीं मनवाएंगे, और जो भी संवैधानिक तरीके से होगा उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अभी 2 तारीख को हम लोग व्यापक रूप से, बृहद रूप से, मतलब भोपाल में 2 जनवरी को प्रदर्शन करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्या नाम है आपको? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ ओबीसी महासभा कमलेन से। संख्या उतनी नजर नहीं आ रही आज आप? देखिए जी, मैं मुद्दे की बात करूँगा। मुद्दा ये होना चाहिए, 9वीं अनुसूची में 284 ऐसे कानून हैं जो संविधान प्रदत्त हैं, जिनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो मेरी ये अपील है सरकार से और कमलनाथ जी से कि दोनों लोग आपस में मिल बैठेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी से और कमलनाथ जी से मेरी ये अपील है कि आपस में मिल बैठ लें और संविधान में इसको प्रस्ताव कैबिनेट मिलाएं और राष्ट्रपति के पास जाएं, सब दिल्ली लेके, सभी लोगों को लेके, और इसको संवैधानिक प्रदत्त शक्तियाँ प्रदान करें। एक कोर्ट का बार बार का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों के सबसे पहली प्राथमिकता मांगे है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।